Assalamu alaikum and very good morning students. Welcome to MCPS online classes. Hope you all are good. So students, today we will continue our chapter number 9, the making of the national movement 1870s 1947. हमने लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि लास्ट जो भी चैप्टर्स हैं हमने उनमें क्या क्या पढ़ा है। उसके बाद नेशनलिज्म जो है उसके बारे में पढ़ा है ना, और धीरे धीरे जो है इंडिया के लोग जो है वो जागरूक हो रहे थे, वो अवेयर हो रहे थे इन चीज़ों के लिए, हमारे देश के लिए खुद की डिमांड्स जो है वो लोग करने लगे थे। तो अ नेशन इन द मेकिंग, ये हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था हमारा, ठीक है। नाउ हम अब जो स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक, दैट इज़ फ्रीडम इन इज़ आर बर्थ राइट। मतलब धीरे धीरे, क्योंकि हमने ये देखा था ऊपर जो हमने टॉपिक्स पढ़े उसमें हमने ये देखा है कि किस तरीके से इंडिया के लोग जो है वो अवेयर होने लगे थे, तो वो धीरे धीरे जो है वो डिमांड करने लगे थे, है ना। अलग अलग जो है ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी थी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बनी थी, जिसने सारे इंडिया के लोगों के लिए क्या किया था, डिमांड रखी थी, है ना। और ये INA जो थी उसमें स्टार्टिंग के जो 20 इयर्स जो थे उसमें मॉडरेट जो था वो टाइम पीरियड निकला था, जिसमें उनका ये एम था कि वो अपने एक तरीके से अपनी जो भी डिमांड्स हैं वो गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, पोलाइटली रखेंगे, है ना। तो लेकिन धीरे धीरे जो है जब देखा गया कि करीब 20 इयर्स तक ये चीज़ चली, लेकिन फिर ये देखा गया कि ये जो भी चीज़ें हो रही है, जो इतनी पोलाइटली हम लोग गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, लेकिन वो तो हमारी ये चीज़ें मान ही नहीं रहे हैं आसानी से, है ना। तो उसके लिए फिर क्या लगा, कुछ जो एक अलग ग्रुप बनने लगा, जिसमें ये लोग उस ग्रुप में जो लोग शामिल थे उसमें वो लोग ये सोचने लगे कि हमें सिर्फ प्रेयर्स करके, हमें उनके सामने रिक्वेस्ट करके वो हमारी बात नहीं मान सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा आवाज़ उठानी पड़ेगी। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फ्रीडम इज़ आर बर्थ राइट। बाय द 1890s मैनी इंडियंस बिगिन टू रेज क्वेश्चंस अबाउट द पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ द कांग्रेस। कि 1890s का जो टाइम था उस टाइम पर इंडियंस जो थे उन्होंने ये क्वेश्चंस करना शुरू कर दिया, पॉलिटिकल स्टाइल जो चल रही थी कांग्रेस की ना उस पर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब लीडर्स सच एज बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय वर बिगिनिंग टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड मैथड्स। ये लाइन अंडरलाइन करिएगा कि ये जो तीन जो लोग हैं, जो कि बिपिन चंद्र पाल को अंडरलाइन करिएगा आप, बाल गंगाधर तिलक बाल एंड लाला लाजपत राय लाल, तो ये तीनों जो लोग थे वो पाल और लाल के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। और ये जो थे बंगाल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, इन लीडर्स ने जो है वो रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स जो थे, मेथड जो थे, उनको चेंज करना शुरू किया और उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स फॉर देयर पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर। उन्होंने मॉडरेट जो टाइप चल रहा था, मॉडरेट्स मतलब जो चल रहा था कि मींस हम आराम से प्रेयर करके, रिक्वेस्ट करके हम गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड रखें, उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उससे तो वो गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश जो है, वो हमारी बात मान ही नहीं रहे थे। एंड एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। दे आर्ग्यूड दैट द पीपल मस्ट रिलाय ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, नॉट ऑन द गुड इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट। पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज, अंडरलाइन करिएगा। तिलक रेज द स्लोगन, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ प्रेयर्स करके ही हम हमारी बातों को नहीं मनवा सकते हैं, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ नए कदम उठाना पड़ेगा, है ना, हमें खुद की स्ट्रेंथ जो है उसको पहचानना पड़ेगा। तो उन्होंने आर्ग्यू करना जो है उस पर शुरू कर दिया था। और उसके अलावा इन्होंने जो तिलक जो थे उन्होंने ये स्लोगन दिया था, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट, मतलब ये स्वतंत्रता जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। तो ये भी अंडरलाइन करिएगा कि इन्होंने जो है लोगों ने फिर क्या करना शुरू, स्वराज के लिए फाइट करना शुरू कर दिया था, ठीक है, कि अब ब्रिटिश का जो है वो कोई राज नहीं चलेगा, स्वराज मतलब हमारा खुद का जो राज है, इंडियंस जो है उनका राज जो है हमारे इंडिया पर रहेगा और हमें हमारी फ्रीडम जो है, देश की आज़ादी जो है वो चाहिए ही चाहिए। इन 1905 वायस रॉय कर्जन पार्टीशन बंगाल। फिर ये भी लाइन अंडरलाइन करेगा कि 1905 में जो वायस रॉय कर्जन जो था उसने क्या किया, बंगाल का पार्टीशन कर दिया। एट द टाइम बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। उस टाइम पर बंगाल जो था बहुत बड़ा सा प्रोविंस था, बहुत बड़ा प्रोविंस था और बहुत ही ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जो है काम जो था जो
सबसे ज़्यादा जो पैसा उस टाइम पर था वो बंगाल के पास, वो बहुत बड़ा प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर, है ना, और उसमें बिहार और उड़ीसा का जो पार्ट था वो भी उसमें इंक्लूडेड था। द ब्रिटिश आर्ग्यूड फॉर डिवाइडिंग बंगाल फॉर रीज़न ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंसेस। ब्रिटिश जो है उन्होंने आर्ग्यू करना शुरू किया कि बंगाल जो है उसको डिवाइड किया जाए ताकि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो प्रॉपर तरीके से कर सके उसका कन्वीनियंस के लिए। बट व्हाट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मींस, लेकिन उनके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस क्या था, हुज़ कन्वीनियंस डिड इट रिप्रेजेंट, ये किसका कन्वीनियंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्लियरली इट वॉज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल एंड बिजनेस। तो क्लियरली हमें ये पता चल रहा है कि ये जो था वो किसके लिए था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स और बिजनेस मैन जो थे ये खुद के लिए जो है ये चीज़ करना चाह रहे थे, खुद के कन्वीनियंस के लिए ये चीज़ करना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि बंगाल को डिवाइड कर। तो ये जो कन्वीनियंस था वो ब्रिटिश क्या कर रहे थे, वो खुद के लिए जो है वो कन्वीनियंस कर रहे थे, इसलिए वो क्या चाहते थे कि बंगाल का पार्टीशन हो जाए। इवन सो इंस्टीड ऑफ रिमूविंग द नॉन बंगाली एरियाज़ फ्राम द प्रोविंस द गवर्नमेंट सेपरेटेड ईस्ट बंगाल एंड मर्ज इट विद आसाम। फिर उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट ने ईस्ट बंगाल जो था उसको सेपरेट करके और किसके साथ मर्ज कर दिया था, आसाम के साथ। परहैप्स द मेन ब्रिटिश मोटिव्स वर टू कर्टेल द इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाली पॉलिटिशियंस एंड टू स्प्लिट द बंगाली पीपल। और उनका मेन जो मोटिव था ब्रिटिश का वो क्या था कि बंगाली पॉलिटिशियंस जो थे उनको इन्फ्लुएंस करना और जो बंगाली पीपल थे उनको स्प्लिट करना, ये लोग क्या चाहते थे, इनको अलग करना चाहते थे। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्लुएंस infuriated people all over India, all sections of the Congress, the moderates and the Rikers as they may be called opposed it. अब जैसे ही बंगाल का पार्टीशन होने लगा, मतलब उन्होंने बंगाल का डिवाइड कर दिया, तो लोग जो है इंडिया के लोग जो है वो और भी ज़्यादा इसके लिए बोलने लगे कि मतलब हमारे देश का क्यों जो है बंटवारा किया जा रहा है। और वो कांग्रेस जो थी उसमें भी जो मॉडरेट्स थे, जो रिकर्स थे, उन्होंने भी इसका अपोज करना शुरू किया। लार्ज पब्लिक मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वर ऑर्गेनाइज एंड नोवल मैथड्स ऑफ मास प्रोटेस्ट डेवलप्ड। और पब्लिक मीटिंग्स जो है वो होने लगी और उसका जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनने लगे और उसको बहुत सारे ऐसे मेथड्स जो है उसके लिए प्रोटेस्ट किए गए, प्रोटेस्ट के लिए जो है वो बनाए गए कि मतलब बंगाल का पार्टीशन ना हो। द स्ट्रगल दैट अनफोल्डेड केम टू बी नोन एज द स्वदेशी मूवमेंट, इसको अंडरलाइन करेगा। और ये जो अनफोल्डेड मूवमेंट जो था ये क्या कहलाए, स्वदेशी मूवमेंट कहलाए, हमारे देश के लिए जो मूवमेंट था उसके लिए वो स्वदेशी मूवमेंट के नाम से फेमस हुआ। स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल बट विथ इकॉइज एल्सवेयर टू इन डेल्टेक आंध्र फोर इंस्टेंस इट वॉज नोन एज अ वंदे मातरम मूवमेंट। और बाद में धीरे धीरे जो है वो ये जो मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया बंगाल में और आंध्र में, और धीरे धीरे फिर ये जो है वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से भी जाना जाने लगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक जो है उनका फोटो दिया है और उन्होंने एक न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश किया था केसरी नाम से, और ये जो न्यूज़पेपर था वो किस लैंग्वेज में लिखा गया था, मराठी में लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इस न्यूज़पेपर में तिलक जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रिटिश रूल जो है उसको क्रिटिसाइज़ किया था। और यहाँ पर ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको, यहाँ पर थाउजेंड ज्वाइन द डेमोन्स्ट्रेशन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, जो स्वदेशी मूवमेंट था उसमें जो लोग शामिल हुए थे उसमें उनका ये पूरा पिक्चर बताया गया कि कितने लोग जो है उन्होंने उसमें साथ दिया था। द स्वदेशी मूवमेंट सॉट टू अपोज ब्रिटिश रूल एंड एनकरेज द आइडियाज ऑफ सेल्फ हेल्प, स्वदेशी एंटरप्राइजेज, एंटरप्राइज, नेशनल एजुकेशन एंड द यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। अब ये जो स्वदेशी मूवमेंट जो था वो ब्रिटिश रूल जो है उसको जो है वो अपोज कर रहा था और सेल्फ हेल्प जो है उसको एनकरेज कर रहा था, उसके जो आइडियाज़ होते हैं मतलब हम हमारे देश में हैं तो हमारी देश की चीज़ों, स्वदेशी मतलब हमारे देश की जो चीज़ें हैं बनी हुई उनको हम इनक्रेज करें, हम जो नेशनल एजुकेशन, जो हमारे देश की जो एजुकेशन है वो हमारे देश की एजुकेशन है तो हमारी लैंग्वेज में हो, जो इंडियन लैंग्वेज है उसमें होनी चाहिए, हमारे देश में होनी चाहिए। टू फाइट फॉर स्वराज द रिकर्स एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स। फिर धीरे धीरे जो है ये स्वराज की जो लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती गई और उसमें जो रेडिकल्स जो थे, जो रेडिकल्स जो बाल पाल लाल जो थे, इन लोगों ने क्या किया, बॉयकॉट करना शुरू कर दिया ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन जो थे, जहाँ पर ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन
खुल गए थे जो हमारे इंडिया में, और जो ब्रिटिश से आया हुआ सामान था, जो ब्रिटिश से जो भी सामान वगैरह आ रहा था, जो भी एजुकेशन वगैरह जो हो रही थी, जो इंस्टीट्यूशन थे, उनको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। बॉयकॉट मतलब क्या होता है कि हम ये काम चीज़ें काम में नहीं लेंगे। सम इंडिविजुअल्स ऑल्सो बिगिन टू सजेस्ट दैट रिवोल्यूशनरी वॉयलेंस वुड बी नेसेसरी टू अदर ओवर थ्रो ब्रिटिश रूल। और जो है धीरे धीरे जो है ये सजेस्ट किया गया रिवोल्यूशनरी वॉयलेंस, मतलब हम जो है अब ये सारी चीज़ ब्रिटिश रूल जो है अब हम उसको नहीं मानेंगे, अब हमें जो है वो क्या कहें पूरी तरह से आज़ादी चाहिए, और हमने अब आपकी चीज़ों को हम काम में नहीं लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं लाला लाजपत राय जो है उनका फोटो दे रखा है ना, अ नेशनलिस्ट फ्रॉम पंजाब, ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग मेंबर ऑफ द रेडिकल ग्रुप विच वॉज क्रिटिकल ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ पिटिशन, ही वॉज ऑल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ द आर्य समाज। आर्य समाज के भी एक्टिव मेंबर थे, और लाला लाजपत राय जो थे इन्होंने क्या किया था, एक रेडिकल ग्रुप के मेंबर थे, मतलब जो आराम से जो बात करके और जो मॉडरेट जो ग्रुप था उनमें ये शामिल नहीं थे, बल्कि रेडिकल में थे, मतलब हमें उसके लिए लड़ाई भी लड़नी पड़े तो हम लड़ेंगे। द ओपनिंग डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी वर मार्क्ड बाय अदर डेवलपमेंट as well. A group of Muslim landlords and Nawab formed the All Indian Muslim League at Dekka in 1906. Underline करेगा कि All India Muslim League जो है वो बनी थी Dekka में 1906 में, और इसमें जो है सारे जो है इस ग्रुप में मुस्लिम जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो नवाब जो थे, वो सारे के सारे इसमें शामिल थे। द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और ये जो मुस्लिम लीग जो थी इसने क्या किया था, जो बंगाल का सेपरेशन हुआ है उसको क्या किया इन्होंने, पार्टीशन को सपोर्ट किया, और साथ में जो हमारा इंडिया का जो पार्टीशन हुआ है उसमें भी जो जिसने सपोर्ट किया था वो कौन थे, मुस्लिम लीग जो थी उसने सपोर्ट किया था। इट डिजायर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, अ डिमांड कंसर्न बाय द गवर्नमेंट इन 1999। इन्होंने क्या डिमांड किया कि जो इलेक्टोरेट्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब ये होता है कि मतलब जो मुस्लिम जो पॉलिटिशियंस हैं उनको मुस्लिम लोग जो है वो ही चूज़ करेंगे, वो जो है वो ही मुस्लिम्स जो है वो ही इलेक्शन में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और डिमांड और लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, सारे के सारे सबको वोट डालने का राइट होता है ना, तो सब चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, चाहे कोई भी किसी भी कास्ट का हो, वो सब वोट डालते हैं अपना नेता चुनने के लिए। लेकिन उन्होंने उस टाइम पर क्या किया, ये डिमांड रखी कि हमारे मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम जो लोग हैं वही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, वही वोट डालेंगे। और गवर्नमेंट ने क्या किया, 1999 में उनके डिमांड को भी मान लिया। सम सीट्स इन द काउंसिल्स वर नाउ रिजर्व फॉर मुस्लिम, उसके अलावा उन्होंने काउंसिल में भी कुछ सीट्स जो है वो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दी, वुड बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स, दिस टेम्प्टेड, और उनको भी ये जो मुस्लिम जो काउंसिल में शामिल होंगे उसको भी कौन वोट करेगा, मुस्लिम लोग जो है वही वोट डाल सकते हैं। दिस टेम्प्टेड पॉलिटिशियंस टुगेदर आर फॉलोइंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवर्स टू देयर ओन रिलीजन ग्रुप्स, तो धीरे धीरे धर्म के नाम पर भी ये क्या होने लगे थे, पॉलिटिशियंस जो थे ये क्या होने लगे थे, डिस्ट्रीब्यूट होने लगे थे, और अपने अपने नए नए जो है रिलीजियस ग्रुप जो है वो बनाने लगे थे। और ब्रिटिश जो है वो मुस्लिम्स की जो है मुस्लिम लीग की जो बात वो क्यों मान रही थी, क्योंकि ये क्या करते थे ब्रिटिश जो थे वो भी क्या कर वो भी क्या चाहते, डिवाइड एंड रूल उन्होंने अपना लिया था कि मतलब उन लोगों को डिवाइड करो और उनके ऊपर रूल करते जाओ। तो उसी तरीके से मुस्लिम लीग जो है वो उनको सपोर्ट कर रही थी कि हाँ अगर पार्टीशन हो रहा है, अगर डिवाइड कर रहे हैं ये पार्ट बंगाल को या हमारे इंडिया को, तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मुस्लिम्स को क्या हो गया था, अलग से वोट डालने का राइट मिल गया, तो उसके अलावा काउंसिल में भी मेंबर्स को उनको शामिल कर लिया। मीनवाइल द कांग्रेस स्प्लिट इन 1997, उसके अलावा फिर 1997 में कांग्रेस जो है वो भी स्प्लिट हो गई, वो भी क्या हो गई, दो भागों में बट गई। द मॉडरेट वर अपोज्ड टू द यूज ऑफ बॉयकॉट, अब मॉडरेट जो लोग थे जो शांत स्वभाव के जो लोग थे, तो उन लोगों ने कांग्रेस के जो मॉडरेट ग्रुप के लोग थे उन लोगों ने क्या बोला कि बॉयकॉट जो है उसको बहुत ज़्यादा मतलब जो है सपोर्ट मत करो, मतलब उसको थोड़ा अपोज करो, मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आराम से आराम मतलब धीरे धीरे जो है ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इस तरीके एकदम से ही सारी चीज़ें जो है हम नहीं कर सकते। दे फेल्ट दैट द इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फोर्स आफ्टर दस, उनको ये लगता था कि ये चीज़ ज़्यादा बॉयकॉट अगर हम करेंगे तो उससे क्या होगा, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होंगे। आफ्टर द स्प्लिट द कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स विद तिलक्स फॉलोवर्स फंक्शनिंग फ्रॉम आउटसाइड, द टू ग्रुप्स रीयूनाइटेड इन दिसंबर 1915। अंडरलाइन करेगा कि दिसंबर 1915 में फिर क्या हो गया, तो दो ग्रुप बट गए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसके भी दो पार्ट्स में, मॉडरेट और जिसमें जो मॉडरेट ग्रुप था उसमें तिलक भी शामिल थे, लेकिन जब धीरे धीरे उन्होंने ये चीज़ देखी तो वो भी क्या हो गए थे, इस ग्रुप से अलग हो गए थे और वो रेडिकल्स में शामिल हो गए थे, और 1915 दिसंबर में दो जो है वो ग्रुप बन गए थे। नेक्स्ट ईयर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइन द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट एंड डिसाइड टू वर्क टुगेदर फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री, फिर अगले साल जो है वो कांग्रेस जो थी और मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने क्या किया, हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट जो है उस पर साइन किया था, और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक साथ मिलकर गवर्नमेंट हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसको रिप्रेजेंट मिलकर करेंगे। तो इस तरीके से दो ग्रुप्स जो है वो
बने थे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं रिवोल्यूशनरी वायलेंस क्या होता है, द यूज़ ऑफ वायलेंस टू मेक अ रेडिकल चेंज विद इन सोसाइटी, सोसाइटी में चेंज लाने के लिए वायलेंस यूज़ करना है ना, थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में लड़ाई झगड़ा करना पड़े तो कर सकते हैं। लाइक वो है रिवोल्यूशनरी वायलेंस जो कि रेडिकल ग्रुप ने किया, स्टार्ट शुरू कर दिया था। काउंसिल मतलब क्या होता है, एन अपॉइंटेड और इलेक्टेड बॉडी ऑफ पीपल विद एन एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। फिर धीरे धीरे जो मास नेशनलिज्म मतलब धीरे धीरे ये जो नेशनलिज्म था ये बहुत बड़े लेवल पर जो है वो होने लग गया था। आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकेम ए मास मूवमेंट। धीरे धीरे ये जो 1919 से ये जो स्ट्रगल जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो स्टार्ट हुआ था वो बहुत बड़ा मूवमेंट बन चुका था। और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे अंडरलाइन करेगा कि 1919 में ये स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, इनमें जो लोग इन्वॉल्व थे पीजेंट्स, ट्राइबल्स, स्टूडेंट्स, वुमेन इन लार्ज नंबर एंड ओकेजनली फैक्ट्री वर्कर एडवाइज। इसमें पीजेंट जो किसान, ट्राइबल, क्योंकि सारे के सारे लोग जो थे ब्रिटिश रूल से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, इनके जो चेंज हो रहे थे, ये जो डिवाइड कर रहे थे, ये हर एक चीज़ में जो खुद के कंट्रोल में कर रखा था, तो इन सारी चीज़ों से सब लोग परेशान हो गए थे, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, ट्राइबल हो, पीजेंट्स हो, वुमेन हो, सारे के सारे बहुत ज़्यादा परेशान फैक्ट्री वर्कर्स थे। तो सब लोग जो है वो इस मूवमेंट में शामिल हो गए थे, इसलिए ये मूवमेंट जो है वो बहुत बड़े लेवल पर हो गया था, बहुत बड़ा बन गया था। सर्टेन बिजनेस ग्रुप्स टू बिगिन टू एक्टिवली सपोर्ट टू कांग्रेस इन द 1920s। वाई वॉज दिस? सो और जो बिजनेसमैन जो थे वो भी इसमें धीरे धीरे जो है सपोर्ट करने लगे थे कांग्रेस में 1920s में। अब वाई वॉज दिस? सो अब ये क्यों होने लगा था? अब ऑब्वियसली ये क्यों होने लगा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारे इंडिया के लोग परेशान हो गए थे, इसलिए ऑब्वियसली ये चीज़ फिर होनी है कभी ना कभी। फिर क्या होता है, एक लिमिट होती है, फिर वो खत्म हो जाती है, तो उसके बाद फिर क्या होता है, फिर हम अपना गुस्सा जो है कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर वो गुस्सा निकलता ही निकलता है ना। तो उसी तरीके से इंडियंस के साथ भी हुआ था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अल्टर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। उस टाइम पर क्या हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो चल रहा था है ना, तो इंडिया की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो अल्टर्ड हो गई थी। इट लेड टू अ ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उस टाइम पर क्या होने लगा था कि जो गवर्नमेंट, इंडिया की जो गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंडिचर कर रही थी डिफेंस में। डिफेंस क्योंकि हमारे इंडिया से भी लोगों को वहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या किया जा रहा था, भेजा जा रहा था। द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेस एंड, तो फिर अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स जो है उसको इंक्रीज करना शुरू कर दिया, और इंडिविजुअल इनकम एंड बिजनेस प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट जो है उस पर टैक्स लगाना ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड द डिमांड फॉर वॉर सप्लाई लेड टू द शार्प राइज इन द प्राइस व्हिच क्रिएटेड ग्रेट डिफिकल्टी फॉर द कॉमन पीपल। और उसके अलावा फिर क्या होता है, जो मिलिट्री जो है, मिलिट्री पर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था उस टाइम, क्योंकि वर्ल्ड वॉर था है ना, बहुत सी कंट्रीज़ के बीच में ये वर्ल्ड वॉर हो रहा था। तो उस टाइम पर फिर क्यों है, मिलिट्री की जो है उन पर एक्सपेंडिचर हो रहा था, वॉर के लिए सप्लाईज जो भी हो रही थी उसकी डिमांड जो बढ़ती जा रही थी। तो फिर क्या हो रहा था, तो अब उसके लिए मनी भी तो चाहिए है ना, तो फिर ये सारा का सारा भार जो है वो कॉमन पीपल के ऊपर आता था, जो इंडिया के लोग थे उनके ऊपर आ रहा था, क्योंकि उनका टैक्स जो है उन पर उनसे ज़्यादा लिया जा रहा था। ऑन द अदर हैंड बिजनेस ग्रुप्स रीप्ड फैबुलस प्रॉफिट्स फ्रॉम द वॉर। और उसके अलावा जो बिजनेस ग्रुप्स थे उनको तो क्या हो रहा था, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। एज have seen chapter 7 the war created a demand for industrial goods। क्योंकि क्या होने लगा था उस टाइम पर, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था चैप्टर 7 में, कि वॉर के टाइम पर डिमांड जो है वो इंडस्ट्रियल गुड्स जो थी उसकी डिमांड बढ़ गई थी, जैसे जूट बैग है, क्लोथ है, रेल्स है, एंड कॉज अ डिक्लाइन ऑफ इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज इन टू इंडिया। सो इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपांडेड ड्यूरिंग द वॉर। तो इंडियन इंडस्ट्री जो है वो उस टाइम पर वॉर के टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो गई थी। एंड इंडियन बिजनेस ग्रुप्स बिगिन टू डिमांड ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट। और इंडियन बिजनेस ग्रुप जो थे उनके पास में क्या हो गई थी, अपॉर्चुनिटी हो गई थी डेवलपमेंट करने की है ना, खुद की फैक्ट्रीज को, खुद का रुपया पैसा बढ़ाने की, इंडस्ट्रीज बढ़ाने की उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। द वॉर ऑल्सो लीड द ब्रिटिश टू एक्सपांड देयर आर्मी। और वॉर जब स्टार्ट हुआ तो उसने ब्रिटिश जो है उनके ऊपर भी मतलब ये अपने दबाव प्रेशर बन गया था कि वो अपनी आर्मी को क्या करें, एक्सपांड करें। विलेजेस वर प्रेशराइज टू सप्लाई सोल्जर्स फॉर एन एलियन कॉज, अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर सेंट टू सर्व अब्रॉड। अब क्या होने लगा कि अब क्योंकि ब्रिटिश को ज़्यादा आर्मी की ज़रूरत थी, तो वो जो इंडिया के जो विलेजेस हैं वहाँ विलेजेस में जो लोग हैं सोल्जर्स जो है उनको वो जो है वो वहाँ पर क्या करने लगे, सप्लाई करने लगे, मतलब वहाँ पर वॉर में भेजने लगे। बहुत ज़्यादा नंबर में सोल्जर्स जो है वो अब्रॉड जो है वो भेजे जाने लगे थे इंडिया से। मैनी रिटर्न आफ्टर द वॉर विद एन अंडरस्टैंडिंग of the ways in which imperialist powers were exploiting the people of Asia and Africa and with a desire to oppose colonial rule in India। लेकिन जब ये सोल्जर्स जो है वो वापस आए, रिटर्न आए, मतलब वापस इंडिया में आए वॉर के बाद में, तो वो एक उनके दिमाग में एक ये चीज़ बैठ गई थी, उनको ये समझ आ गया था कि किस तरीके से वहाँ के अफ्रीका में, एशिया में जो लोग हैं वो किस तरीके से एक्सप्लॉयट हो रहे हैं, अपनी पावर्स जो है वो किस तरीके से मतलब यूज़ कर रहे हैं एक तरीके से, और जो कॉलोनियल रूल है वो किस तरीके से
से उनको अपोज किया जा रहा है। तो क्या हम लोग जो है, हम भी तो ये कॉलोनियल रूल जो हो रहा है इंडिया में, जो ब्रिटिश रूल है, उसको हम अपोज कर सकते हैं? फर्दर मोर इन 1917 देयर वाज अ रिवॉल्यूशन इन रशिया। फिर उसके बाद 1917 में क्या होता है, रशिया में भी रिवॉल्यूशन हो गया था, वहाँ के जो लोग थे कॉमन पीपल, उन लोगों ने भी रिवॉल्यूशन कर दिया था। न्यूज़ अबाउट पीजेंट्स एंड वर्कर्स स्ट्रगल्स एंड आइडियाज ऑफ सोशलिज्म सर्कुलेटेड वाइडली स्प्रेडिंग इंडियन नेशनल। तो ये जो न्यूज़ थी, या वो वर्ल्ड वॉर के बाद में जब वो वापस आए थे, तो उनमें एक नई जो है जागृति पैदा हो गई थी, उनके दिमाग में ये चीज़ आ गई थी, को पीजेंट्स है, वर्कर्स, उनके सबके, कि चाहे अब हमें कुछ भी करना पड़े, हमें क्या करना है, इनके अपोज करना है, कॉलोनियल रूल को अपोज करना है, और हमें क्या करना है, स्ट्रगल करना पड़े कितना भी, लेकिन हम जो है वो क्या करेंगे, अब हमें इंडिया हमारा आज़ादी चाहिए, अब हम इनका जो कॉलोनियल रूल है उसको हम नहीं सहन करेंगे, अब हम इनको अपोज करेंगे। द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी का नाम तो आपने सुना ही होगा ना। फिर क्या होने लगा, महात्मा गांधी जी जो है उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट जो है हमारे इंडिया में स्टार्ट किए थे, उनके बारे में ही हम अभी पढ़ेंगे। कौन थे महात्मा गांधी, क्या है था, उन्होंने क्या क्या किया है ना, चलिए हम पढ़ते हैं। इट इज़ इन दीज सर्कमस्टांसेज दैट महात्मा गांधी इमर्ज एज अ मास लीडर। महात्मा गांधी जो थे एक बहुत बड़े लीडर के रूप में जो है हमारे देश में उभरे। एज यू मे नो, गांधी जी इज 46 अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से 1950 में वो इंडिया आ गए थे। हैविंग लेड इंडियंस इन दैट कंट्री इज इन नॉन वायलेंट मार्चेज अगेंस्ट रेसिस्ट रिस्ट्रिक्शंस, ही वॉज ऑलरेडी अ रिस्पेक्टेड लीडर नोन इंटरनेशनली। वो क्या थे, एक रिस्पेक्टेड लीडर थे, इंटरनेशनली भी उनको, उनकी पहचान थी, उनको जाना जाता था। लेकिन वो क्या थे, नॉन वायलेंट जो थे उसके सपोर्ट में थे। वो ये चाहते थे कि हमारे करने में कोई भी काम हो, अगर कोई भी हम अंग्रेज़ों के अगेंस्ट हम कोई भी कदम उठा रहे हैं, वो नॉन वायलेंटली होना चाहिए, वायलेंटली नहीं होना चाहिए, हमने शांति से भी, वो अहिंसा से हम काम कर सकते हैं। हिज साउथ अफ्रीकन कैंपेन हैड ब्रॉट हिम इन कॉन्टैक्ट विद वेरियस टाइप्स ऑफ इंडियंस। और उनका जो साउथ अफ्रीकन का जो कैंपेन था, उस टाइम पर उनके बहुत अलग अलग तरह के इंडियंस जो थे उनके कॉन्टैक्ट में थे, चाहे वो हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो, पारसीज है एंड क्रिश्चियंस है, गुजरातीज है, तमिल्स है, नॉर्थ इंडियंस है, एंड अपर क्लास मर्चेंट्स है, लॉयर एंड वर्कर्स है। सारे के सारे लोग जो थे उस टाइम पर इनके इस कैंपिंग में शामिल हुए थे। कोई कास्ट हम मतलब ऐसा नहीं था कि जो इनके साथ में नहीं था। महात्मा गांधी स्पेंड हिज फर्स्ट ईयर इन इंडिया ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री। महात्मा गांधी जब यहाँ पर आए, तो एक साल तो उन्होंने क्या किया, इंडिया को ट्रैवल किया, पूरी कंट्री को जो है ट्रैवल किया अच्छे से, एंड अंडरस्टैंडिंग पीपल देयर नीड्स एंड द ओवरऑल सिचुएशन। और उन्होंने क्या किया, लोगों की सिचुएशन क्या है, उन लोगों को समझा, ट्रिक में हमारे जो लोग हैं उनकी क्या कंडीशन हो रही है, उनको क्या नीड्स हैं, उनकी क्या सिचुएशन, और हर एक चीज़ को उन्होंने अच्छे से समझा। हिज अर्लीएस्ट इंटरवेंशंस वर इन लोकल मूवमेंट इन चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद, वेयर ही केम इन टू कॉन्टैक्ट विद राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल। अंडरलाइन करेगा कि उन्होंने जो है लोकल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया सबसे पहले चंपारण में, खेड़ा में और अहमदाबाद में, और उस टाइम पर वो किसके कॉन्टैक्ट में है, राजेंद्र प्रसाद, जो कि कौन थे, हमारे फर्स्ट प्रेजिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड वल्लभ भाई पटेल, जिनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। इन अहमदाबाद ही लेड सक्सेसफुल मिल वर्कर्स स्ट्राइक इन 1980, और अहमदाबाद में उन्होंने सक्सेसफुल एक मिल वर्कर्स के साथ में मिलकर एक स्ट्राइक की थी 1980 में। लेट अस नाउ फोकस इन सम डिटेल ऑन द मूवमेंट ऑर्गेनाइज बिटवीन 1919 टू 1922। गांधी जी जब आए, उसके बाद में 1919 से लेकर 1922 तक बहुत सारे उन्होंने क्या किए, मूवमेंट किए हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए। तो अब हम एक एक करके उनके बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, आप यहाँ पर एक ही पिक्चर आपको दिख रहा होगा, फोटो दिख रहा होगा, है ना, ये क्या है, फाउंडर्स ऑफ द नटाल कांग्रेस डरबन साउथ अफ्रीका 1895 अलॉन्ग विद अदर इंडियंस महात्मा गांधी एस्टैब्लिश द नटाल कांग्रेस टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहले महात्मा गांधी जो जी उन्होंने नटाल कांग्रेस जो है एस्टैब्लिश की, जो कि किसके अगेंस्ट थी, फाइट किसके अगेंस्ट थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था उसके अगेंस्ट। एंड कैन यू आइडेंटिफाई गांधी जी, ही इज स्टैंडिंग एट द सेंटर इन द रॉ एट द बैक वियरिंग का कोट एंड टाई। और आप इस पे ये बताया गया कि क्या आप इसमें से गांधी जी को पहचान सकते हैं क्या, कि गांधी जी जो है वो कौन है। तो आप बच्चों बताइएगा कि गांधी जी इसमें से कौन से हैं, कौन, क्या लगता है आपको, कौन हो सकते हैं गांधी जी, है ना। और साथ में इन्होंने एक वो ये भी बताया कि सेंटर इन द रॉ एट द बैक, है ना, कि पीछे की जो रॉ है वहाँ पर जो सेंटर में जो कोट और टाई पहने हुए हैं वो कौन है, हमारे गांधी जी है, ठीक है। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले द रोलेट सत्याग्रह, सबसे पहले जो
1990 में गांधी जी ने सत्याग्रह जो है वो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट शुरू किया। तब क्या हो है रॉलेट एक्ट वगैरह ये सब भी हम आगे इसमें पढ़ेंगे। रॉलेट सत्याग्रह इन 1919 गांधी जी गेव अ कॉल फॉर अ सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट दैट द ब्रिटिश हैड जस्ट पास। ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था, एक रॉलेट एक्ट जो है वो पास कर दिया था, और 1990 में गांधी जी जो है उन्होंने सत्याग्रह जो है इसके रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट स्टार्ट कर दिया था। द एक्ट कर्ब्ड फंडामेंटल राइट्स सच एज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथन पुलिस पावर्स। और ये जो एक्ट था इसमें क्या था, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स जो थे, जैसे कि हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमें बोलने का एक्सप्रेस करने का राइट है, और हमारी जो जो भी राइट्स है फंडामेंटल राइट्स उसके अगेंस्ट ये था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना एंड अदर फेल दैट द गवर्नमेंट हैड नो राइट टू रिस्ट्रिक्ट पीपल्स बेसिक फ्रीडम्स। तो ये जो महात्मा गांधी जी थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे और बहुत सारे दूसरे जो थे, इन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने क्या बोला कि ये कोई किसी को भी राइट नहीं है कि पीपल के जो बेसिक फ्रीडम्स है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाए, उसको रोका जाए। दे क्रिटिसाइज द एक्ट एज डिविलाइज, और उन्होंने इस एक्ट को क्रिटिसाइज किया एंड tyrannical। गांधी जी आज द इंडियन पीपल टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल 1919 एज अ डे ऑफ नॉन वायलेंट अपोजिशन टू दिस एक्ट, एज अ डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर्स एंड हड़ताल स्ट्राइक। सत्याग्रह सभा वर सेट अप टू लॉन्च एंड मोमेंट लॉन्च द मोमेंट। फिर गांधी जी जो थे उन्होंने इंडिया के लोगों को बोला 6 अप्रैल 1919 में कि नॉन वायलेंट अपोजिशन हो इस एक्ट, नॉन वायलेंट अपोजिशन होना चाहिए इस एक्ट के अगेंस्ट में, है ना। और ये जो डे है वो क्या है, ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर जो है वो कहलाएगा, और हड़ताल मतलब स्ट्राइक जो होता है ना वो। सत्याग्रह सभा वर सेट अप टू लॉन्च द मोमेंट, और ये मोमेंट जो है लॉन्च करने के लिए सत्याग्रह सभा जो है वो ऑर्गेनाइज की गई, सत्याग्रह सभा शुरू की गई। द रॉलेट सत्याग्रह टर्न आउट टू बी द फर्स्ट ऑल इंडियन स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑल दो इट वॉज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू सिटीज। इन अप्रैल 1919 देर वर अ नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड हड़ताल इन द कंट्री, एंड द गवर्नमेंट यूज ब्रूटल मेजर्स टू सप्रेस दैम, एंड द जलियांवाला बाग एट्रोसिटीज इन्फ्लिक्टेड बाई जनरल डायर इन अमृतसर ऑन बैसाखी डे। ये अंडरलाइन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जलियांवाला बाग एट्रोसिटी इन्फ्लिक्टेड बाई जनरल डायर इन अमृतसर ऑन बैसाखी डे 13 अप्रैल वर अ पार्ट फॉर दिस repression on learning about the massacre, Rabindranath Tagore expressed the pain and anger of the country by renouncing this नाइटहुड। मतलब ये रॉलेट सत्याग्रह जो था ये क्या है, धीरे धीरे जो है वो पूरे इंडिया में जो है वो फैल गया था, और स्ट्रगल जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये स्ट्रगल था, और ये पूरे इंडिया में फैल गया था, बहुत लार्ज बड़े लेवल पर हुआ था ये भी। और अप्रैल 1919 में बहुत सारी जो है वो हड़ताल हुई कंट्रीज के अलग अलग पार्ट में, है ना, और डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। तो लेकिन गवर्नमेंट जो थी उन्होंने फिर क्या किया, इसको दबाने की, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसको दबाने की बहुत कोशिश की, और उसमें उसी टाइम पर ये जो जलियांवाला बाग है इस दबाने के क्योंकि उनको ये इंडियंस को वापस दबाना था, उनको शांत करना था, तो उसी टाइम पर ये जलियांवाला बाग जो है, ये आपने बच्चों मैंने 6th क्लास में भी आपको बताया था, 7th में भी हमने पढ़ा है, तो जलियांवाला बाग जो है वो मैसेकर हुआ था जिसमें जनरल डायर जो थे अमृतसर में, ये क्या है सभा हो रही थी वहाँ पर, तो सबको क्या किया वहाँ पर गोलियाँ जो है वो चलाना शुरू कर दी, वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो उसमें मारे गए थे। 13 अप्रैल का दिन था। तो इस तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने इस वो जो है इस पेन को कि किस तरीके से मसक्र हुआ था, किस कितनी बुरी तरीके से जो ये हुआ लोग जो है वो मारे गए थे, तो उनका पेन और एंगर जो है वो अभी भी जो है मतलब जब उन्होंने नाइटहुड जो रिनाउंसेस किया था उसमें भी उनका ये जो एंगर और पेन है जो वो उसमें नजर आता है। अब नाइटहुड क्या है, एन ऑनर ग्रांटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन। जब नाइटहुड जो है वो एक ऑनर मिला था जो ब्रिटिश क्राउन था, है ना, फॉर एक्सपेंशनल एक्सेप्शनल पर्सनल अचीवमेंट और पब्लिक सर्विस। जो पब्लिक सर्विस और पर्सनल अचीवमेंट जो है उसके लिए जो है उनको ऑनर मिला था, तो उस टाइम पर भी उनका ये पेन और एंगर जो है वो वहाँ पर छलका था, ठीक है। और यहाँ पर ये जो फोटो दिखाया है इसमें बताया द वॉल्ड कंपाउंड इन विच जनरल डायर ओपन्ड फायर ऑन गैदरिंग ऑफ पीपल, द पीपल आर पॉइंटिंग टू द बुलेट मार्क्स ऑन द वॉल। अब यहाँ पर ये जो पीपल जो है वो यहाँ पर जो बुलेट मार्क मतलब किस तरीके से जनरल डायर ने वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से जो है वो ओपन फायर कर दिया था, फायर करवा दिया था अपनी आर्मी आर्मी से, तो यहाँ पर ये जो है ना सब ये लोग बता रहे हैं कि देखो कहाँ कहाँ पर जो है कितने लोग जो है यहाँ पर, है ना, बता रहे हैं ये सब की पॉइंट आउट कर रहे हैं कि मार्क्स की बुलेट जो है वो वॉल पर किस तरीके से उनके मार्क्स बने हुए हैं अभी भी, है ना।
ड्यूरिंग द रॉलेट सत्याग्रह द पार्टिसिपेंट्स ट्राई टू इंश्योर दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर यूनाइटेड इन द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. और जब ये रॉलेट सत्याग्रह जो है उसमें ये सत्याग्रह जो था उसमें ये ट्राई किया जा रहा था कि सारे लोग चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो वो सब लोग यूनाइट मतलब एक साथ मिलकर पार्टिसिपेट करें अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में फाइट करें मिलकर चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो. दिस वॉज ऑल्सो द कॉल ऑफ महात्मा गांधी हु ऑलवेज सॉ इंडिया एज अ लैंड ऑफ ऑल द पीपल हु लिव्ड इन द कंट्री हिंदूज मुस्लिम्स एंड दोज ऑफ अदर रिलीजन. और ये महात्मा गांधी जी ही थे जिन्होंने हमेशा इंडिया जो है उसको और उसके लोगों को हमारी कंट्री को हिंदू हो मुस्लिम हो चाहे वो किसी भी रिलीजन को हो उनको सबको क्या माना है एक ही माना है हम एक ही कंट्री के माना है. ही वॉज नीन दैट हिंदूज एंड मुस्लिम सपोर्ट ईच अदर इन एनी जस्ट कॉज कि चाहे कोई भी रीज़न हो हिंदू और मुस्लिम जो वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक साथ होकर मिलकर जो है वो इन लोगों का सामना करें. तो ये तो था रॉलेट सत्याग्रह है ना. फिर उसके बाद जो बहुत सारे और भी मूवमेंट हुए थे खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो यहाँ से जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. तो तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा. मैंने जितना भी पढ़ाया ना आप उसको अच्छे से रीड करिएगा. बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों ये. आप पढ़ेंगे ना आप सुनेंगे ना वीडियो तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि क्या क्या हुआ था हमारा देश किस तरीके से आज़ाद हुआ था है ना क्या क्या चीज़ें हुई थी कितना स्ट्रगल जो है वो हमारे इंडियंस को करना पड़ा था. तो आप ये चैप्टर अच्छे से रीड करिएगा. मैं जो भी वर्क आपको सेंड करूँ आप हिस्ट्री की नोटबुक में कम्प्लीट करिएगा. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हमारा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए बाय.